सर, आप लोगों का स्वागत करता हूँ वेम्पायर स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोगों का लॉकडाउन सीरीज डे 3 का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन अलजेब्रा और रेशियो का बहुत ही मतलब खूबसूरत सा क्वेश्चन है। दोनों को मिक्सअप करके ये क्वेश्चन बनाया गया था। SSC CGL मेंस 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन देखने से पहले मैं आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक बार पहले वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, उसके बाद जो है सोल्यूशन को देखें। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को लास्ट लॉकडाउन सीरीज में ही शायद मैंने आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी मतलब फॉर्मूला बताया था कि x³ - y³ बराबर होता है x - y (x²) + xy (y²), यही बताया था। ओके, और आपको ये बचपन से पता है कि x²-y² बराबर होता है x + y (x - y)। ये दो रिजल्ट अलजेब्रा का, ये दो आइडेंटिटीज आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। देखो यहाँ से अगर देखिए, ये पहला तो ये दे रखा है x³ - y³ / x²+y², जो कि किसके बराबर है 5:1 के। क्लियर दोस्तों, मैंने आप लोगों को समझाया था कि a अनुपात b बराबर a/b बोल सकते हो आप इसको। समझाया था शुरू में, सबसे पहले क्लास में, पहले बेसिक्स में यही बताया था। तो अगर दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या x³ - y³ की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ? तो इसका आइडेंटिटी, ये रिजल्ट होता है x - y (x²) + xy + y²। तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख दूँ x - y (x²) + xy + y², लिख सकता हूँ ये इस रिजल्ट से? अब देखिए, ये सारी चीजें लिखनी नहीं थी, ये तो आपको सीधा समझना था। चाहे यहाँ पे आपको क्या बचने वाला है, x - y, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे सर, x - जो y है वो यहाँ से क्या बचा आपको, 5 बचा। नीचे तो 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ से आप इसको एक समीकरण मान लो। दूसरा दोस्तों, अगर इसको देखें, इस वाले को, तो a²-b² की जगह पे क्या रख सकते हो आप, x²-y²/x - y क्या है दे रखा है 7:1। क्या इसकी जगह पे x²-y² की जगह पे हम लिख सकते हैं x + y (x - y)? देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, x + y = 7। ये समीकरण 2 निकल के आ गया दोस्तों। अब आपको 1 और 2 दे रखा है और आपको क्या निकालना है, xy। आपको यहाँ पे 2x/3y पूछा, मतलब xy की वैल्यू पूछा है। तो अगर आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगा 7 और 5 = 12। x की वैल्यू 6 आ जाएगा दोस्तों। x की वैल्यू 6, 6 में से कितना माइनस करेगी, 5 आ जाए तो 1, तो y कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, 2x = 3y। 2x की वैल्यू कितनी है, 6/3 × y, इसको कैंसिल कर लीजिए, 3 × 6 = 4/1। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डी। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, और अगर जिनको ना समझ आए तो कमेंट करके जरूर बताया करें आप लोग कि आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा लेक्चर, और इस वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखते रहें आप लोग। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लॉकडाउन सीरीज 4 में।